एक बीमारी की वजह से 66 साल से एक मशीन में बंद है ये शख्स, बाहर निकाला तो हो जाएगी मौत। आज हम आपको मेडिकल साइंस के एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, टेक्सास के पॉल एलेक्जेंडर पिछले 66 सालों से एक मशीन के अंदर बंद है। अगर पॉल को इस मशीन से बाहर निकाला जाता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। आइए जानते हैं पॉल की इस मजबूरी के बारे में। दरअसल पॉल जन्म से ही पोलियो की गंभीर बीमारी के शिकार हैं। इस बीमारी की वजह से वो खुद सांस नहीं ले पा रहे थे और उनकी कई मसल्स रुक गई थी, जिसके बाद साइंटिस्टों ने पॉल को जिंदा रखने के लिए एक ऐसी मशीन को बनाया जिसमें व्यक्ति को कृत्रिम रूप से सांस दिलाई जाती है। हालांकि डॉक्टर्स ने पॉल के जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर पॉल 1952 में इस मशीन में बंद हुए थे, जिसके बाद आज तक बंद है। पॉल के गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। ऐसे में साइंटिस्टों ने उनके परिवार के सामने जिंदा रखने के लिए एक उम्मीद बताई। तब परिवार ने साइंटिस्ट की बात मानते हुए पॉल को उस मशीन में बंद करवा दिया, जिसमें वे आज भी वे लोग हैं। इस मशीन में रखने से पहले साइंटिस्टों ने पॉल पर काफी अध्ययन किया, फिर जाकर उन्हें इस मशीन में रखा गया। डॉक्टर बताते हैं कि पोलियो वैक्सीन दुनिया की सबसे खास दवा है, अन्यथा पोलियो के मरीज इस तरह मशीनों में बंद होकर रह जाते। यह मशीन वैक्यूम पैक चैम्बर की तरह बनाई जाती है, जिसमें पंप्स के द्वारा इंसान के शरीर में हवा भेजी जाती है। जब हवा शरीर में जाती और दबाव बढ़ता है तो फेफड़े काम करते हैं। दूषित हवा को फैन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है।